लेसन फूड कुकिंग एंड प्रवेशन मतलब फूड को कैसे कुक करना चाहिए या प्रिजर्व कहाँ करना चाहिए ये सब इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट इन वेल कुक्ड कुकिंग मेक्स द फूड टेस्टी ईजी डाइजेस्टिबल एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स फ्रूट्स नट्स कैरेट रेडिश एंड टमेटो कैन बी ईट एंड रॉ मतलब फूड्स जो हम लोग खाते हैं उसको जो है अच्छी तरह से कुक होना चाहिए अच्छी तरह से कुक करना चाहिए कुकिंग मेक्स द फूड मतलब जब कुक करोगे कर तो वो फ़ूड क्या हो जाएगा वो टेस्टी भी होगा और ईज़िली डाइजेस्टिबल मतलब आसानी से जो है वो हम डाइजेस्ट कर लेंगे फिर एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स और जब इतना कुक हो जाएगा तो वो क्या होगा जर्म्स उसमें नहीं रहेंगे फिर फ्रूट्स नट्स कैरट रेडिशन टोमेटो इन सब को तो हम कच्चा खा सकते हैं फिर है कुकिंग फॉर ऑफ फूड फूड का कुकिंग देखो वी कुक फूड इन डिफरेंट वेज़ अलग अलग तरीके से हम फूड को कुक करते हैं कोई बॉयल करता है कोई स्टीमिंग करता है कोई फ्राइंग बेकिंग एंड रोस्टिंग एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग ये अलग अलग मेथड्स होते हैं कुक के राइस वेजिटेबल्स रेड ग्राम ग्रीन ग्राम बीन्स एंड पीस आर कुकड इन बॉयलिंग वाटर इनको बॉयल करते हो ना राइस को जैसे कुछ वेजिटेबल्स को रेड ग्राम को लाल चना को ग्रीन ग्राम को ठीक है बीन्स को या पीज को इनको हम लोग क्या करते हैं बॉयल करते हैं वाटर में ब्रेड एंड बिस्किट्स आर प्रिपेयर्ड बाय बेकिंग ब्रेड और बिस्किट जो हम लोग खाते हैं वो क्या होता है ब्रेक किया जाता है फिर चपातीज एंड पापर्स आर रोस्टेड ऑन चारकोल फायर फिर स्टीमिंग इज़ अ मेथड यूज फॉर प्रिपेयरिंग मेरी आइटम्स लाइक इटली जैसे स्टीम में भी कई सारे हो, मेथड होते हैं जैसे इटली है ठीक है उस तरह से कई कई होते हैं जिनको कि हम स्टीम करके खाते हैं फिर मैनी काइंड्स ऑफ स्वीट्स एंड सबरीज आर प्रिपेयर बाय द मेथड ऑफ़ फ्राइंग इन घी और वेजिटेबल ऑयल जैसे स्वीट्स है फिर समोसा है ये सब चीज़ें जो हैं पकौड़ा है ये सब क्या हो जाता है फ्राई करके हम लोग खाते हैं फिर रूल्स टू बी ऑब्ज़र्व इन कुकिंग कुकिंग्स का कुछ रूल है ठीक है उसके अनुसार ही हमको कुक करना चाहिए सम वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर कैबेज टो कैरट्स एंड लीफली वेजिटेबल्स शुड नॉट बी ओवर कुक जैसे कॉलीफ्लावर है कैबेज है टोमेटो है कैरट है लीफली वेजिटेबल इनको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉय द विटामस कंटेंट द इन दैम और ओवर कुकिंग करने से क्या होगा वो इस डिस्ट्रॉय द विटाम विटामिन क्या हो जाएगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा नष्ट हो जाएगा विटामिन आर लॉस्ड बाई आवर वेरियस मैथड्स ऑफ कुकिंग फर्स्ट देखो फर्स्ट है कुकिंग इन वाटर अब जब वाटर में, को तो मतलब में कोई कुक करता है तो क्या होता है विटामिन बी लॉस क्या हो जाता है विटामिन बी और सी फिर न, कुकिंग इन स्टीम जब कोई भाप मतलब स्टीम में कोई कुक करता है तो क्या लॉस होता है विटामिन बी एंड सी फिर कुकिंग कुकिंग इन प्रेशर कुकर जब प्रेशर कुकर में कुक करोगे तो क्या होगा विटामिन ए बी सी तीनों लॉस हो जाएगा फिर ड्राई रोस्टिंग जब रोस्ट रोस्ट करते हैं तो क्या लॉस होता है प्रोटीन एंड विटामिन बी फिर आ, फिर बेकिंग में प्रोटीन एंड विटामिन बी फिर पफिंग में विटामिन बी तो कुकिंग एट अ हाई टेम्परेचर और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम डिस्ट्रॉय द विटामस या तो अगर हाई टेम्परेचर में तुम कुक कर रहे हो या बहुत लंबे समय के लिए कुक कर तो वो क्या हो जाएगा उसमें से वो विटामिन जो है वो डिस्ट्रॉय ख़त्म हो जाएगा फिर सम विटामिन एंड मिनरल सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल कुछ विटामिन मिनरल सॉल्ट्स क्या होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं ये वेजिटेबल्स और क्रिल्स आर सोकड इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम द विटामस एंड मिनरल्स सॉल्ट डिज़ोल्व इन अगर तुम बहुत समय के लिए कुछ वेजिटेबल्स को या स्क्रेल्स को कोई अनाज को बहुत समय के लिए उसको विटाम पानी में टोप कर टीप करके रख दोगे पानी में तो वो पानी को सोक कर लेगा उसमें विटामिन मिनरल्स डिज़ोल्व हो जाएंगे सो दिस वाटर शुड नॉट बी थ्रोन अवे इसलिए इस वाटर को फेंकना नहीं चाहिए वी कैन यूज़ द एक्सेस वाटर फॉर सूप पिपरेशन और फॉर पिपेयरिंग सॉस और ग्रेवी इसलिए क्या करना चाहिए जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको या तो सूप के रूप में पी लेना चाहिए या मतलब uh, सॉस या ग्रेवी में उसको यूज़ कर लेना चाहिए इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कुक फूड इन जस्ट सफिशेंट वाटर इसलिए हमेशा कुक फूड को कुक करना चाहिए कुछ ही पानी में दे करके फिर है ईटिंग फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स फ्रूट्स और मतलब रॉ वेजिटेबल को खाना देखो फर्स्ट क्या है रिप फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ दे शुड बी इटन डेली रिप फ्रूट्स को जैसे आम है ऑरेंज है ये सब जैसे है या रॉ वेजिटेबल्स को जैसे कैरेट है रेडिश है इनको रोज़ हमको खाना चाहिए इसमें क्या होता है शुड बी ईटन डेली खाना चाहिए और ये हेल्दी बनाता है फिर इट इज़ नॉट सेफ़ टू ईट ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मतलब हर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सेफ नहीं है खाना ठीक है ओवर रेप एंड रोटेन फूड्स शुड नॉट बी ईटन जो ओवर रिप होता है जो बहुत ज़्यादा पक जाते हैं या जो सड़े गले फ्रूट्स होते हैं उनको नहीं खाना चाहिए फिर कट फ्रूट्स फ्रॉम हॉकर्स शुड नॉट बी इटे जो कटे हुए फल जो बेचने वाले होते हैं उनसे नहीं खाना चाहिए सच कट फ्रूट्स बी एक्सप्लोर्ड टू फ्लाइज उसमें मक्खी वक्खी बैठती है तो दे डिपॉजिट्स दे डिपॉजिट्स हार्मफुल जम्पस ऑन देम रोड साइड डस्ट कलेक्ट ऑन दैम और उसमें रोड के डस्ट भी मिलते हैं फिर फ्लाइज भी उसके ऊपर बैठते हैं तो जम्प्स सब हो जाते हैं तो बिफोर हीटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे शुड भी थ्रूली वॉश्ड विथ क्लीन वाटर हमेशा खाने से पहले वेजिटेबल हो या फ्रूट्स हो उनको क्या करना चाहिए क्लीन वाटर से धो लेना चाहिए